तो दोस्तों भारत को मिला दुनिया का नंबर वन बल्लेबाज रवि जडेजा ने इस भारतीय क्रिकेटर के शान में पड़े कसीदे। क्या है खबर की पूरी सच्चाई बताएंगे आपको इस वीडियो में। तो अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी ऑन कर ले। तो दोस्तों भारत के युवा सलामी बल्लेबाज सुमन गिल इन दिनों शानदार फॉर्म में हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में दोहरा शतक ठोका और फिर दूसरे मैच में नाबाद 40 रन की पारी खेली। उन्होंने दोनों मैच में कप्तान रोहित शर्मा के साथ मिलकर भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई। ऐसे में गिल ने छोटे से अंतर्राष्ट्रीय करियर में अब तक काफ़ी प्रभावित किया है। उन्होंने मौक़ों को मिलने पर खुद को बखूबी साबित किया है। दोस्तों आपको बता दें कि गिल की बैटिंग स्टाइल की क्रिकेट जगत में जमकर चर्चा हो रही है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व कप्तान रवि जडेजा ने भी गिल के सामने कसीदे पड़े हैं। उन्होंने गिल को मिनी रोहित शर्मा बताया है। रवि ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा कि सुमन गिल मिनी रोहित शर्मा लगते हैं। उनके पास अतिरिक्त समय है और वह अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। उसके पास पर्याप्त क्षमता है। समय के साथ आक्रामकता भी आ जाएगी। गिल को अपने खेल में कुछ भी बदलने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने हाल ही में दोहरा शतक जड़ा था। दोस्तों आगे रवि जडेजा ने कहा कि रोहित की तारीफ करते हुए कहा कि वह हुक और पुल शॉट के शानदार स्ट्राइकर हैं। रोहित ने रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में न्यूजीलैंड के खिलाफ 51 रनों की पारी खेली। ऐसे में रवि जडेजा ने कहा कि भारत के लिए दूसरे वनडे में सलामी बल्लेबाज आसान नहीं थी क्योंकि उनके पास रोहित जैसा शानदार बल्लेबाज है। वह बहुत अच्छा खेलते हैं। वह हुक और पुल शॉट के अद्भुत स्ट्राइकर हैं। ऐसे में 108 रन की टारगेट का पीछा करना आसान हो जाता है। दोस्तों रवि जडेजा ने आगे कहा कि भारत ने वनडे और टेस्ट में फिर से जो दबदबा हासिल किया है उसके पीछे गेंदबाजी अहम वजह है। रवि ने कहा कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में भारत का पुनरुत्थान गेंदबाजी के आधार पर हुआ है क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ऐतिहासिक रूप में मजबूत है। बता दें कि भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। ऐसे में सीरीज का अंतिम मैच 24 जनवरी को इंदौर में खेला जाना है।